एक्सेलरेट ज्यादा मत करनी है वरना गाड़ी आपका जो है झटका लेगी। व्हाइट लाइन इसको लेफ्ट की तरफ मैच करके चल रहा हूँ, देखिए सेंटर से, और आप टायर देख सकते हैं वहाँ मिरर पे, देखिए बिल्कुल जो है मेरी गाड़ी कॉर्नर पे चल रही है। अब ये क्रॉस हो गई ना, अब देखिए, अब मैं स्टेयरिंग व्हील को सीधा कर दूंगा, अब देखिएगा मेरी गाड़ी कितना क्लोज निकलेगी इस गाड़ी से, ये देखिए ये पार्किंग वाली जगह। अब मैं यहाँ पर गाड़ी को अपोजिट साइड टर्न करना स्टार्ट करूंगा, जब तक पीछे वाली गाड़ी की देखिए टेल लाइट मेरे इस वाले मिरर में विजिबल नहीं होती। अब हाफ विंडो देखिए जैसे ही क्रॉस होगी ना, ये देखिए अब मैं टर्न करना स्टार्ट करूंगा, अब देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना आपको क्या क्या करना है अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जिससे आप गाड़ी जो है जल्दी सीखेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए सबसे पहली चीज जो कई लोग गलती करते हैं ना, वो ये कि वो गाड़ी लेके ना सीधे रोड पे निकल जाते हैं और भाई बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। बेसिक चीजों से मेरा मतलब ये ना कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी नहीं सीख पाएंगे, आप गाड़ी सीख पाएंगे, पर कुछ चीजें आपको पहले क्लियर करनी होंगी कि जब आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं ना, आपको गाड़ी का आइडिया कैसे कैसे लेना है। अब देखिए जजमेंट के लेना मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जब भी आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सेंटर डैशबोर्ड में मैंने एक स्टिकर लगाया ना, देखिए आप, ये सेंटर गाड़ी का ना हाफ है बिल्कुल, मतलब ये जो विंडशील्ड है ना इसका जस्ट हाफ है, और मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिए वहाँ डैशबोर्ड में इसको लगाया है। अब इससे एडवांटेज ये मिलता है ना कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो हमेशा आपको फ्रंट का कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो पोल है, चाहे वो पेड़ है, आपको गाड़ी कोने में लगानी है, तो आपको ये सेंटर डैशबोर्ड का ही जजमेंट लेना है। बात करें हम गाड़ी के राइट साइड की, जब आप गाड़ी के राइट साइड को सेव करेंगे ना, उसके लिए जो ए पिलर है ना इसका आप रेफरेंस लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको ये जो ए पिलर है ना इसके राइट में रखना है। जैसे ही वो चीज़ इस ए पिलर के राइट में चली जाएगी तो आपकी राइट साइड ना सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब रोड पे चलते चलते बात करते हैं, हम चलेंगे सीधे हाईवे पे, हाईवे पे देखेंगे कि कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी को चलाना स्टार्ट करना है। अब गाड़ी उठाने को लेके सबसे पहले चीज़ देखिए, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले आप ध्यान रखिए आपको अपना जो ये पैडल है ना, क्लच पैडल, इसको पहले प्रेस करना है। उसके बाद आपको इग्निशन ऑन करना है गाड़ी का, और फिर जाके आपको अपना गियर लगा के और धीरे से जो है क्लच को रिलीज़ करना। देखिए स्टार्टिंग में आप जो है आदत बना लीजिए, एक्सेलरेट ज़्यादा मत करनी है वरना गाड़ी आपका जो है झटका लेगी। अब देखिए हल्के से मैं एक्सेलरेट करूँगा जिससे मेरी गाड़ी ना देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। अब इससे एडवांटेज ये मिलता है ना कि आप अगर एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी स्मूथली जो है गियर में आएगी और फर्स्ट गियर में आपको झटका नहीं लगेगा। अब देखिए गाड़ी की स्पीड को मैं कुछ किलोमीटर तक जाने दूंगा, ये देखिए। अब इसके बाद मैंने सेकंड गियर स्लॉट करा और फिर मैंने हल्का सा एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा, देखिए कितना स्मूथली मेरी गाड़ी उठी है। आगे अगर एक्सट्रीम चढ़ाई नहीं है ना तो आपको इसी तरह से गाड़ी को उठाना है। अब देखिए रोड थोड़ी संकरी है, मैं अभी जो ये व्हाइट लाइन है इसको लेफ्ट की तरफ मैच करके चल रहा हूँ, देखिए सेंटर से, और आप टायर देख सकते हैं वहाँ मिरर पे, देखिए बिल्कुल जो है मेरी गाड़ी कॉर्नर पे चल रही है, और ये जो बम्प्स है ना इनको भी मैं फील कर पा रहा हूँ, देखिए। अब स्लो निकालेंगे यहाँ पे गाड़ी, अब मैं आपको जंक्शन में बताता हूँ कि गाड़ी को आपको जंक्शन में मर्ज किस तरह से करना है, क्योंकि कई लोग ना बहुत गलती करते हैं, वो लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं और सीधे गाड़ी को क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं। अगर रोड खाली भी है ना तो भी आपको ध्यान रखना है, सब्र रखना है, जिससे आपकी गाड़ी कम टाइम में मर्ज होगी हाईवे में। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही है ना, मैं थोड़ा वेट करूँगा और देखिए अब मुझे अपोजिट साइड भी थोड़ा सा वेट करना है। डिवाइडर से आपको ज़्यादा चिपक के नहीं चलना है, देखिए वरना आपका गाड़ी का जो रियर एंड है ना वो डिवाइडर से टकरा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। टर्न लेते टाइम मैंने आपको बताया है कि टर्न जब भी आप लेंगे आपको ये फ्रंट की जो ग्लास है ना इसको हाफ डिवाइड करना है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें है, कई लोग पूछ रहे थे कि भैया मैं स्टेयरिंग को कितना कट करना है, देखिए जब आपकी गाड़ी का रियर एंड जो है वो क्रॉस हो जाएगा ना उस ऑब्जेक्ट से, तो आपको जो है अपनी गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट कर देना है, मतलब अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग को पूरा कट करके गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट करना है। वो भी मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा गलियों में चल के कि भाई कैसे कैसे आपको वो चीज़ें कंट्रोल करनी है, पर उससे पहले देखिए अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आप हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चलिए, जिससे भाई सामने वाले ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो और पीछे से जो आ रहा है ना उसको दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही आपको चलते रहना, देखिए स्लो चलिए बिना किसी परेशानी के, और आप जो है गियर देखिए अभी फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है ना, स्टार्टिंग में कोशिश करें आप गाड़ी का जो ये क्लच मोमेंट है, गियर थ्रो है ना, इनको समझने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में क्या होता है, हर गाड़ी का देखिए बिहेवियर अलग है, एक गाड़ी का बिहेवियर क्लच पैटर्न अलग हो सकता है, दूसरी गाड़ी का अलग हो सकता है, तो आपको जो है ना पहले गाड़ी का क्लच और गियर, मतलब गियर थ्रो कितने स्पीड में कितने गियर चेंज करने हैं आपको, ये चीज़ आपको समझनी है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखिए मैं एक्सेलरेट भी नहीं करूँगा, मेरी गाड़ी क्रॉल करते हुए आराम आराम से चलने पे लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। अभी मैं गली में भी एंटर होकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, जिससे भाई ईजी रहेगा सब कुछ और आप अच्छे से जजमेंट ले पाएंगे। अब देखिए किसी भी गाड़ी के अगर आप पीछे गाड़ी लगाते हैं ना तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए अब मैं लेफ्ट जजमेंट से गाड़ी को इसके पीछे लगाऊंगा,
और एक बार मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखिए अब सामने वाली गाड़ी के कितना पीछे आपको लगाना है, देखिए अब थोड़ा कैमरा हाइट पे है ना, इतना पीछे लगाना है कि भाई आगे वाली गाड़ी का जो बंपर है ना, इसका जो अपर पार्ट है देख रहे हैं आप, मतलब डिग्गी का जो ढक्कन है ना, वो जहाँ पर बंपर पे मीट कर रहा है उस वाले पार्ट से आपको ये वाइट स्टिकरिंग जहाँ पर लगी है ना, मतलब ये जो ग्लास डैशबोर्ड में मीट करता है, उसको मैच करना है। अब उतना मैच हो जाएगा तो आपकी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी के बीच में कम से कम 4 से 5 फीट का डिस्टेंस रहेगा, जो सेफ डिस्टेंस है। ऐसे में आपकी गाड़ी ना एक बार में निकलेगी, आप जिस तरफ भी निकालना चाहते हैं। अब जिस तरफ आप अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं ना, उसका आपको हमेशा अपोजिट साइड का जजमेंट लेना है। अब देखिए अपोजिट साइड का जजमेंट किस तरह से लेंगे आप, देखिए अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर जो है राइट की तरफ से निकालूंगा तो मुझे लेफ्ट साइड बचानी है, तो मैं लेफ्ट साइड का जजमेंट लूंगा, जिसके लिए ये सेंटर मार्किंग की गई है। अब देखिए मैं स्टेयरिंग को पूरा अपोजिट काटूंगा, फर्स्ट गियर मैंने स्लॉट करा, अब देखिए मैं बिना एक्सेलरेशन के और देखिए गियर पर ही गाड़ी को उठाऊंगा, मतलब क्लच की मदद से ही गाड़ी को उठाऊंगा। अब देखिए देखिए अब ये क्रॉस हो गई ना, अब देखिए अब मैं स्टेयरिंग व्हील को सीधा कर दूंगा, अब देखिएगा मेरी गाड़ी कितना क्लोज निकलेगी इस गाड़ी से, ये देखिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक है जिससे आप अपनी गाड़ी को इजीली पिक कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के सामने वाली गाड़ी से। तो ऐसे आप अगर गाड़ी को चलाते रहेंगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, जजमेंट भी आपको इसी तरह से लेना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको अंदर पे चल के बताता हूँ, यहाँ पे गली में देखिए हमेशा आपको वेट करना है, देखिए कोई लेफ्ट राइट भी हो सकता है, आपको पूरा ध्यान रखना है और स्लोली आप अपनी गाड़ी को चलाते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अभी मेरी गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है ना, मैं थर्ड में लगा देता हूँ, एक्सेलरेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे जजमेंट आपको बताना है यहाँ पे। देखिए स्लो चलते रहें, जल्दबाजी अगर आप करेंगे ना तो आप हमेशा क्लच में गड़बड़ करेंगे, ये बात तो पक्का है। अब देखिए मैं फिर से आपको गाड़ी को लगा के दिखाता हूँ, अब देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पोल भी है ना तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब मैं पोल से सेफ डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, अब देखिए मैं एक बार में गाड़ी को निकालूंगा, देखिए इस पोल को मुझे पहले अपनी गाड़ी के लेफ्ट में करना है सेंटर के, ये देखिए अब हो गया। अब मैं अपनी गाड़ी को स्ट्रेट करूंगा ना, अब देखिए मेरी गाड़ी कितना क्लोज निकलेगी इससे, ये देखिए। तो बस ऑब्जेक्ट के ऊपर है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। अगर आपको सेफ मार्किंग नहीं मिल रही है ना, कोशिश करें कि आप 4 से 5 फीट का डिस्टेंस ले लीजिए उस ऑब्जेक्ट से, ताकि आपकी गाड़ी एक बार में निकले। अब कई लोग क्या करते हैं ना, अपनी गाड़ी को आगे पीछे कर रहे होते हैं, जिससे भाई उन्हें प्रॉब्लम आती है और गाड़ी लगाने में दिक्कत आती है। अब मैं यहाँ पर गाड़ी आपको टर्न करके भी बताऊंगा कि टर्न आपको किस तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पर ना आपको कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हैं। कई लोगों ने कहा था रोड पे कई बार मार्किंग नहीं होती है तो हमको रेफरेंस पॉइंट किस तरह से लेना है। अब देखिए अगर रोड पे मार्किंग नहीं मिल रही है ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोने में कहीं पर भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, फिर अपनी गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर मैं ये जो मार्किंग है ना इसको रेफरेंस लूँगा, देखिए, और उसके बाद जो ये घास है ना कोने में इसका आप रेफरेंस लीजिए। जिस तरफ आप टर्न कर रहे हैं अपोजिट ORVM का आपको आइडिया लेना है, जिससे आपकी गाड़ी कम जगह में टर्न होगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए अब देखिए अपोजिट ORVM मेरा घास पे आ चुका है, अब मैं अपनी गाड़ी को बैक करना स्टार्ट करूंगा। देखिए अभी पीछे गाड़ी है ना, और कितना पीछे, जितना ये ORVM इस घास से मैच नहीं हो जाता। अब देखिए हो गया है ना, देखिए कम जगह में अच्छे से गाड़ी टर्न होगी बिना किसी प्रॉब्लम के। देखा आपने कितने बढ़िया से मेरी गाड़ी टर्न हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे ही आप अपनी गाड़ी को टर्न करेंगे, जब भी आप कहीं संकरी गली में फंस रहे हैं अगर, तो आप गाड़ी को टर्न करेंगे कम जगह में, एक ही बार में गाड़ी टर्न होगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए आप स्लो चलते रहिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप कम स्पीड में चलेंगे ना उतना अच्छे से आप क्लच को कंट्रोल कर पाएंगे। और कहीं पर स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना, पहले ही आप स्पीड को हल्का कर दीजिए या अपना जो एक्सेलरेशन है ना इसको कम कर दीजिए, मतलब एक्सेलरेट मत करिए, जिससे होगा कि आपको ब्रेक भी उतने कम लेने पड़ेंगे। अब देखिए मेरी गाड़ी इंजन ब्रेकिंग के थ्रू ना एक पर्टिकुलर RPM पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है, जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी मैं सामने वाली गाड़ी से फिर से आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको राइट साइड का जजमेंट करके दिखाऊंगा। अब देखिए देखिए इसका मुझे पहले बम्पर कवर करना है, देखिए ये देखिए ये बम्पर कवर हो चुका है। भाई कैमरा थोड़ा ऊपर प्लेस्ड है मेरे फोरहेड में, इसलिए भाई थोड़ा सा लग रहा है कि भाई नहीं कवर्ड है, पर अब देखिएगा आप एक बार में निकलेगी। अब देखिए सेंटर के चली गई है लेफ्ट में, और अब मेरी गाड़ी आप बगल से देखिएगा, ये देखिए
सिर्फ एक फिट का डिस्टेंस, एक भी नहीं था, कम था काफ़ी, एक फिट से भी कम डिस्टेंस में, और गाड़ी इजीली निकल गई बिना किसी परेशानी के। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को लगाना है, निकालना है जब भी आप पार्किंग में लगा रहे हैं। पर इसकी यही कंडीशन है कि आपका और आगे वाली गाड़ी का या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में ना प्रॉपर स्पेस मेंटेन होना चाहिए। आप देखिए फ्रंट वाली गाड़ी राइट से निकलेगी ना, ये देखिए ए पिलर के राइट से निकली, ईजिली क्रॉस हो गई बिना किसी परेशानी की। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। अब देखिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ना कई बार रॉन्ग साइड पर जाके दिखाता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आपको भी रॉन्ग साइड पर ही चलना है, आप हमेशा गाड़ी को बचाते हुए चलेंगे। अब देखिए मैं अभी राइट पर जा रहा हूँ ना यहाँ पर, तो आप ऐसे रॉन्ग साइड मत चलिए, ये सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। ईजी हो जाता है सब कुछ बिना किसी परेशानी के। अब मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताऊंगा यहाँ पे जो कि आपकी हेल्प के लिए रहेगी, कि जब भी आप अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं ना, अगर आपको गाड़ी को बहुत कोने में लगाना है तो आप रेफरेंस पॉइंट कैसे लेंगे। अब देखिए ये पार्किंग है ना, अब मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी को बैक करके लगाना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं अपनी गाड़ी को पहले साइड वाली गाड़ी से क्रॉस करवाऊँगा। देखिए देखिए ये पार्किंग वाली जगह है, अब मैं यहाँ पर गाड़ी को अपोजिट साइड टर्न करना स्टार्ट करूँगा, जब तक पीछे वाली गाड़ी की देखे टेल लाइट मेरे इस वाले मिरर में विजिबल नहीं होती है। अब ये विजिबल हो गई ना, अब मैं अपनी गाड़ी को देखिए टर्न करना स्टार्ट करूँगा। और देखिए गाड़ी कितने अच्छे से पार्क हो गई बगल वाली गाड़ी के एक ही बार में। इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को लगाना है गाड़ी के बगल में, कि आप पहले अपनी स्पेस को कवर करिए, उसके बाद अपनी गाड़ी को अपोजिट साइड में काटिए। ये होती है पैरेलल पार्किंग। इसमें क्या होता है, आप कम स्पेस में कम जगह में गाड़ी को बगल वाली गाड़ी के लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ ना, मैं पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर स्पॉट मुझे मिल नहीं रहा है जहाँ पर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पैरेलल पार्किंग ऐसी अवेलेबल नहीं है नियर बाय, तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, पर मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। अब देखिए ये सिर्फ मैं आपको जजमेंट का बता रहा हूँ इसमें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, जिससे भाई आपको आसानी रहेगी गाड़ी चलाने में भी। अब देखिए अब रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ, आपको ऐसे चलना नहीं है, मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए लेफ्ट राइट कैसे आपको जज करना है। अब सामने वाली गाड़ी जो है ईजिली अपनी साइड बचाते हुए चल रही है, और देखिए सामने वाली गाड़ी को मैं ए पिलर के राइट में रख रहा हूँ और मैं बहुत ही क्लोज निकल रहा हूँ इनसे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बस ऐसे ही आपको गाड़ी को चलाते रहना है स्लो स्लो, कहीं पर भी अगर आप रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं, अगर आपको गलती से रॉन्ग साइड लेना पड़ रहा है, तो भी आप किस तरह से अपनी गाड़ी को सेफ कर सकते हैं, ये सारा मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है कि भाई लेफ्ट राइट जजमेंट ना हर जगह काम करता है। गाड़ी अगर लंबी है ना, तो अगर आप टर्न कर रहे हैं, टर्न का मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए ग्लास वाला फैक्टर क्या होता है, लंबी गाड़ी में ना आपको रियर बचाना होता है, अगर चौड़ी गाड़ी है लंबी गाड़ी है तो रियर बचाना होता है मेन, क्योंकि फ्रंट तो आप निकाल ही देंगे किसी तरह से। तो रियर बचाने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि भाई आपको थोड़ा सा, जब आप ऑब्जेक्ट के बगल से निकल रहे हैं ना, अब मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा गैप नहीं लेता हूँ, तो टर्न लेने से पहले आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अपोजिट तरफ ज़्यादा काटिए, जिससे आपका रियर ना ईजिली निकल जाएगा। जैसे बड़ी गाड़ी आपने देखी होगी, ट्रक होती है, बस होती है, वो क्या करते हैं जब टर्न लेते हैं ना, तो अपनी गाड़ी को ज़्यादा बाहर की तरफ निकालते हैं, मतलब वो लंबे रेडियस में टर्न लेते हैं, जिससे होता क्या है कि भाई उनकी गाड़ी ईजिली जो है, जो भी ऑब्स्टिकल है उसको ईजिली क्रॉस कर जाती है बिना किसी परेशानी के। तो अब मैं अपनी गाड़ी को दोबारा से सही डायरेक्शन में ले जाता हूँ, फिर मैं आपको टर्न करना बताऊँगा कि ईजिली आपको टर्न किस तरह से करना है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हमेशा जब आप रिवर्स करेंगे एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए IRVM और ORVM आपको बहुत अच्छे से चेक करना है, ईजिली आपकी गाड़ी अपनी ही जगह में टर्न हो जाती है। अब मैं आपको टर्न करना बताऊंगा कि आपको भाई टर्न किस तरह से करना है। देखिए जब भी आप गाड़ी को टर्न करेंगे ना, सबसे पहले आपको सेफ डिस्टेंस लेना है, उसके बाद आपको अपनी गाड़ी को जो है ना टर्न करते टाइम, मतलब जो है डाउनशिफ्ट हमेशा करना है। अगर आप डाउनशिफ्ट नहीं करेंगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जो है लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ों के बीच कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना, हमारे दिमाग में जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें चलती है कि भाई क्या मुझे क्लच दबाना है, क्या मुझे गियर चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं शुरुआती दिनों में। बाद में आप यूज्ड हो जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टर्न आ रहा है ना, मैं पहले स्पीड हल्की करके डाउनशिफ्ट कर लूँगा। अब मैं सेकंड में आ जाऊँगा, देखिए सेकंड में मैं आ गया। अब हाफ विंडो देखिए जैसे ही क्रॉस होगी ना, ये देखिए अब मैं टर्न करना स्टार्ट करूँगा। अब देखिए गाड़ी कितनी कम जगह में कितने अच्छे से टर्न होगी, देखिए देखिए
अपनी ही साइड में गाड़ी टर्न भी, देख ना ज़्यादा मैं बाहर गया, क्योंकि ऐसे टर्न में होता क्या है, लोग ना गाड़ी को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, जिससे भाई सामने वाली गाड़ी भी डिस्टर्ब होती है और वाली लेन भी इंगेज हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ऐसे ही आप गाड़ी चलाते रहिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, यकीन मानिए। आप रोड पे ना आपको हमेशा जगह मिल जाती है, थोड़ा वेट करिए, और एक बार में नहीं निकालना आपको, ऐसा ना करें कि आप यू टर्न ले रहे हो और अगल बगल आप देख ही नहीं रहे। हमेशा यू टर्न लेते हुए आपको स्पीड बहुत हल्की रखनी है, देखना है दूर तक कि भाई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और उसके बाद धीरे से अपनी गाड़ी को मर्ज करिए अपनी साइड पर जहाँ पर भी आपको निकलना है। उससे एडवांटेज ये मिलेगा ना, आप ना तो नर्वस होंगे, ना आपकी गाड़ी जो है झटका देगी, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। अब रोकने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे अच्छी टेक्निक, अगर आपको अपनी गाड़ी को एक बार में कोने में लगाना है, कई लोग ना देखिए वाइट लाइन के बाहर लगा रहते हैं गाड़ी को, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एक बार में अगर आपको अपनी गाड़ी लगानी है ना, तो उसकी सबसे अच्छी टेक्निक है, जैसे जिस तरफ आप अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं ना, उधर का रेफरेंस पॉइंट आप जजमेंट का ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट में लगाना है, तो मैं लेफ्ट का रेफरेंस पॉइंट लूँगा, और कोने में जहाँ पर भी मार्जिन है, मतलब जो भी जगह तक मुझे अपनी गाड़ी को ले जाना है, वहाँ तक मैं इस रेफरेंस पॉइंट मैच करूंगा। देखिए यहां पर मुझे लेफ्ट में लगाना है ना, तो मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल लेफ्ट में, देखिए जो भी कॉर्नर है वहां पर मैच करूंगा, और इजीली मेरी गाड़ी व्हाइट लाइन के अंदर खड़ी होगी एक ही बार में। अब देखिए अब मेरी गाड़ी आप देखिएगा बिल्कुल जो है व्हाइट लाइन के अंदर आके खड़ी हुई है। इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को लगाना है, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, रोक रहे हैं, हर चीज़ में जजमेंट काम आता है स्टार्टिंग के दिनों में। अब देखिए सामने गाड़ी वाला, कई करतबाज ऐसे होते हैं ना, देखिए ये गलती आपको नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस बचाने के लिए शायद इसे लेन में एंटर होना है। कहाँ चल रहे हैं लोग यार, देखिए देखिए मैंने कहा था ना ऐसी गलती आप ना करें। वो तो देखिए सामने गाड़ी जो थी उन्होंने थोड़ा ब्रेक ले लिया और ऐसी हालत हो गई है सामने। तो ये गलती अगर आप करेंगे ना, एक्सीडेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है, ये गलती कभी भी मत करना। अपनी साइड चलिए और सेफ चलिए। तो ऐसे आप गाड़ी चलाते रहिए, आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट रहता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।